नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के 12वें संस्करण में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में मैच हो रहा था। उस मैच के दूसरे इनिंग में 20वीं ओवर की 6वीं बॉल पे कुछ ऐसा हुआ कि विराट कोहली काफ़ी गुस्से में दिखे, जिसके वजह से पूरा मैच पलट गया। जी हाँ दोस्तों, आखिरी बॉल एक बॉल पे 7 रन की ज़रूरत थी। लसित मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे दुबे और एबी डिविलियर्स रनिंग एंड पे थे। वो जो बॉल फेंकी गई 6वीं बॉल 20वीं ओवर की, उसको लसित मलिंगा ने नो बॉल फेंका था, लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल नहीं दे दिया क्योंकि अंपायर ने उनके पैर की ओर नहीं देखा। तो इस पे हम पहले आपको क्रिक बज की कमेंट्री सुना देते हैं। मलिंगा टू शिवम दुबे, नो रन। मुंबई इंडियंस आर ऑफ द मार्क इन आईपीएल 2019, विन बाई 6 रन्स, अ लो लूपी फुल बॉल ऑन ऑफ स्टंप, दुबे कैन ओनली स्विंग इट वाइड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ऑन। ओ माई गॉड, वॉट आर वी सीइंग, रिप्ले शो दैट मलिंगा हैज क्लियरली ओवर स्टेप्ड, बट अंपायर एस रवि डिडंट पिक इट। कोहली इज रेड फेस्ड एंड द क्राउड आर इन टोटली डिसरे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोहली ने क्या कहा। तो कोहली ने कहा है कि हम ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम एक आईपीएल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। ये बड़ा ही हास्यास्पद उनका निर्णय था। और जब हम ऐसे मौके पर खेल रहे हों जहां पे गेम बड़ा ही मार्जिन का हो, तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। एंड उन लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा और शार्प और थोड़ा और सावधान होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, कोहली के सामने जब उनको बुलाया गया माइक पे बोलने के लिए, तो उन्होंने ऐसा बोला। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नाराज़ हैं, किस तरीके से गुस्सा हैं विराट कोहली अंपायर के इस कॉल से। तो दोस्तों आप बताइए कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, क्या नियम आगे इसमें नियम प्रणाली में चेंजेज जाने चाहिए ताकि रिव्यू लिया जा सके किसी प्लेयर द्वारा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।